आशिकी इस शब्द से प्यार झलकता है और ये सारी आशिकी से क्या झलकता है आपको बताएंगे वर्धन पुरी और शिवालिका ओबेरॉय। तो ये सारी आशिकी से क्या झलक रहा है? ये साली आशिकी से ये झलक रहा है कि हम दो आशिक हैं और हम आपको एक फिल्म दिखाना चाहते हैं, हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली सच्चाई से ज़्यादा हम एक किस्सा सुनाना चाहते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एक फुल्ली एंटरटेनिंग फिल्म है, टाइटल से आपको पता चलेगा ये साली आशिकी, इससे फिल्मी टाइटल हो नहीं सकते। लवर्स बीवेयर, इससे बड़ी मैसेजिंग युवा पीढ़ी के लिए हो नहीं सकती है। तो इस फिल्म से ये झलकता है कि आप आशिकी से मोहब्बत भी करिए पर ज़रा सावधान भी रहिए, क्योंकि आशिकी आपको जान दे भी सकती है पर आपकी जान ले भी सकती है। एक रोमांटिक थ्रिलर बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है डेब्यू के लिए, आई गेस। क्या ये मुश्किल रहा और क्या ये रिस्क लगा आपको कहीं ना कहीं? रिस्क तो कौन सी प्रोफेशन में नहीं होता है। सो आई फील कि मतलब कॉन्टेंट जिधर हो उधर डेब्यू तो करना ही चाहिए, यू कैन से नो टू दैट। कुछ डिफरेंट करना चाहिए, रोमांटिक कॉमेडी ऑल दैट तो मतलब यू कैन डू इन योर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिल्म, बट रोमांटिक थ्रिलर विद सच अ ह्यूज अमेजिंग कॉन्टेंट इज एन अमेजिंग डेब्यू। वर्धन क्या कहना चाहेंगे थ्रिलर सस्पेंस के साथ? मैम मैं कभी ना मैंने शिखा मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं डेब्यू कैसे करूँगा, मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं कैसी फिल्में करूँगा। तो ये फिल्म जब हमने कंसीव की तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसमें कास्ट हूँगा। मैं वैसे भी बहुत मैं काफ़ी बरस से एक राइटर हूँ और मैं लिखते रहता हूँ, आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने नहीं लिखा हो। तो जब मैं ये फिल्म डेवलप कर रहा था तब मैंने सोचा था कि इसमें जो राइट एक्टर होगा वो प्ले करेगा। मेरे डायरेक्टर को मेरे प्रोड्यूसर्स को लगा कि मैं इसमें फ़िट बैठता हूँ, साहिल के कैरेक्टर में 100% फिट होता हूँ। तो फिर मैं इसमें कास्ट हुआ और ये बाय चांस बाय कोइंसिडेंस बाय सेरेंडिपिटी मेरी पहली फिल्म बन गई। वजन पूरी फैमिली आई मीन अमरीश पूरी फैमिली की जो लीगेसी है उसको आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैं ज़्यादा शोल्डर एक्सरसाइज कर रहा हूँ आजकल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी आपने शब्द बहुत अच्छा यूज़ किया है, थैंक यू शिखा, कि आपने बोझ या प्रेशर इस किस्म के नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं किए। यू आर अमेजिंग, आई लव यू। तो रियली यार सब मुझे यही पूछ रहे प्रेशर प्रेशर प्रेशर, मैंने बोला क्या प्रेशर है, पहली फिल्म है मेरी, बच्चा हो मेरे दादू से आप मेरी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो। अमरीश दादू, मदन दादू, चमन दादू, जो केएल सहगल साहब जो किस्म का काम करके गए, मैं उनके सामने एक चींटी हूँ। मैं अब यू नो मेरा पहला कदम रख रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स है, मेरा सरनेम पूरी है, मुझे अच्छा काम करना होगा, उनको गर्व महसूस करवाना होगा, वो मेरा एक काम है। अपना 100% दूंगा और आपको 100% एंटरटेनमेंट दूंगा, वही बस वही है। आप दोनों ने ही बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है, उसका कितना फ़ायदा मिला है आपको जब आपने पहली बार शॉट दिया, जब पहली बार कैमरा ऑन हुआ? सो लाइक एवरी वन, लाइक आई थिंक वरुण धवन, ऑल ऑफ देम हैव असिस्टेड बिहाइंड द कैमरा एंड मुझे फील होता है दैट देयर इज अ रीज़न व्हाई यू डू दैट। एंड जब मैंने शुरुआत की थी मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं बिहाइंड द कैमरा ही शुरुआत करूँगी। प्रोड्यूसर का जब पैसा लगता है तभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तब पता चलता है। एंड आई थिंक दैट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। अभी जब मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा आई हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ हाउ टू डील विद इट एंड कितना प्रेशर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो आई थिंक या इट्स अमेजिंग। मैं पहले थिएटर में काम करता था, थिएटर से जुड़ा रहा हूँ मैं जब से मैं 5 बरस का था, तभी मैंने ड्रीम देखा था कि मैं एंटरटेनर बनूँ, भले वो स्टेज पे हो या कैमरा के सामने हो, सेट पे हो या ऑडिटोरियम में हो, करनी एक ही चीज़ थी, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट। अमरीश जी के साथ आपने समय बिताया होगा, किस तरह से गाइडेंस, किस तरह के टिप्स और किस तरह से आपको भेजा गया कि जाओ फतेह हासिल करो? दादू के साथ जब भी बात होती थी तो ज़्यादातर फिल्मों के बारे में नहीं होती थी, ज़्यादातर थिएटर के बारे में होती थी। दुबे साहब उनके मेंटर थे, वो हमेशा मानते थे कि जो कुछ भी वो हैं वो थिएटर की बदौलत है। तो हम 80% टाइम्स थिएटर की बात करते थे, 20% कभी कभार फिल्मों की बात करते थे और सिर्फ क्लासिक्स की बात करते थे। कोई यू नो सिनेमा ऐसा भी होता है जो आता है जाता है उसकी बात नहीं करते थे, वो बोलते थे लेट्स ऑलवेज स्पेंड टाइम ऑफ टॉकिंग अबाउट क्लासिक्स।
तो वेदर इज द गॉडफादर, वेदर इज दो बीघा जमीन, शोले, मिस्टर इंडिया, जो ज़बरदस्त फिल्में बनी हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में और विदेश में, उनकी बात करते थे और हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि एक ही चीज़ आपको एक्टर बनाएगी और वो है आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्ट रहिए, कभी ये मत भूलिए कि आप थिएटर के एक्टर हो, कभी स्टार ही मत बन जाइए, कभी ये मत समझने लगिए कि आप अराइव हो चुके हो, क्योंकि जो कुछ है हमारी ज़िंदगी में सब भाड़े पे, ये एड्यूलेशन, ये फेम, ये फिल्में, सब भाड़े पे, सब कुछ भाड़े पे, क्लोथ्स भी। तो कभी ये मत समझिए कि यू ओन एनीथिंग, हमेशा ये दिमाग में रखिए कि आज है कल नहीं है, हम्बल रहिए, अपना काम करते जाइए और जो होना है वो नसीब का खेल है। शिवालिका, वो उस मोमेंट की बात करें जब आपने सोचा था आपको एक्ट्रेस बनना है या आपको फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना है, उस मोमेंट के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ ये। बहुत ही अर्ली एज में स्टार्ट हो गया था, जब मैं 5 साल की थी। 5 साल की थी तभी मैं करीना की बहुत बड़ी फ़ैन थी एंड सारे के सारे जितने भी उनके बेस्ट फिल्म्स थे उनके सारे के सारे सीन्स मैंने इनैक्ट किए, सीन्स बाय सीन्स, एंड माय फेवरेट वाज पू। तो मैं घर की पू थी, कोई भी मुझे नाम से नहीं बुलाता था। सो या इट स्टार्टेड यंग एंड जैसे मैं बड़ी हुई आई वेंट टू कॉलेज, मैंने अनुपम खेर का कोर्स ज्वाइन किया। फ्रॉम देयर आई थॉट दैट एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, तभी जाके आई मेट मिस्टर साजन नाजरवाला एंड ही वॉज़ वेरी काइंड टू हैव मी ऑन बोर्ड एज एन ईडी ऑन किक एंड हाउसफुल 3। तो दोनों मूवीज़ में असिस्ट करने के बाद मुझे एक्चुअली समझ में आया कि बहुत डिफरेंस है बीइंग बिहाइंड द कैमरा एंड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड छोटी से छोटी चीज़ जो तुम अहेड ऑफ द कैमरा करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका ऑन स्क्रीन। फिल्मी बैकग्राउंड जो कहते हैं, आप किसी बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपको कहा जा सकता है कि आप फिल्मी बैकग्राउंड से, क्या इसका फ़ायदा या इसका नुकसान या इसका कितना असर पड़ता है करियर पे? पहली बात, बहुत कम लोगों को पता है कि इनके जो ग्रैंडफादर है वो भी प्रोड्यूसर है। जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बट आई नेवर मेट हिम, शिबा एंड हर्क्यूलस। सो मेरे डैड काफ़ी यंग थे व्हेन ही पास्ड अवे, तो मुझे लगता है माय मॉम थिंक्स दैट कि उनकी ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ, उनकी ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ। तो हो सकता है आगे जाके आप प्रोड्यूस करो। नहीं नहीं, मैं एक्ट ही करूँगी, दिस इज माय विजन एंड माय गोल एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एक्चुअली लिविंग इट राइट नाउ। मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि मुझे इस घर में जन्म मिला, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, नाना नानी, उनके जो सेंस ऑफ एथिक्स है, मॉरल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उन सब ने इतने पूरे किए और मुझे ब्लेस्ड लगता है कि मैं एक ऐसे कल्चर्ड फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने सिनेमा को, थिएटर को इतना कुछ दिया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका नाम रोशन करूँ और मुझे लगता है कि देर इज़ नथिंग बट ग्रैटिट्यूड। आपको कहीं नेपोटिज्म जैसा कुछ कहीं नज़र आया, कहीं आपने कुछ ऐसा फेस किया या आपको लग रहा है कि बहुत ही वेलकमिंग है बॉलीवुड नए न्यू कमर्स को भी लेकर? एक्चुअली द थिंग इज़ कि नेपोटिज्म इज़ अ वर्ड वेयर हर प्रोफेशन में यूज़ हो सकता है, लाइक अ डॉक्टर्स सन बिकम्स अ डॉक्टर, ऑल ऑफ दैट हैपेंस, बट यू कैन ओनली एक्सेल इफ़ यू आर गुड एट इट। मेरा ये मानना है शिखा कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, वो बहुत फेयर प्लेस है। हो सकता है किसी को चांस जल्दी मिल जाए क्योंकि वो किसी का बेटा हो, भांजा हो, भतीजा हो, कुछ भी हो, पर फिल्म इंडस्ट्री आपको तभी एक्सेप्ट करेगी जब आप अपना काम जानते हो। न्यू कमर्स की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, विकी कौशल, सारा अली खान, अनन्या पांडे, लिस्ट बहुत लंबी है, आप लोग भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। इसे कॉम्पिटिशन, इस चीज़ को कॉम्पिटिशन के तौर पर देखते हैं या किस तरह देखते हैं? कॉम्पिटिशन तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, कॉम्पिटिशन हमें मोटिवेट करती है, हम हमेशा हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब हम सेट पे होते थे, हम हमारे कॉम्पिटिटर्स, एक्चुअली वो भी थोड़ा नेगेटिव शब्द है, हमारे कंटेम्प्रेरीज, व्हाट अ वर्ड, कंटेम्प्रेरीज की फिल्में देखते थे, उनके सीन देखते थे, अच्छे सीन्स को हम देखकर मोटिवेट भी होते थे कि यार इसने ही अच्छा किया यार, ये जो इसने इस मोमेंट पर पॉज लिया है क्या है, इस पॉइंट पर इसने जो ये एक नुआंस दिया है वो ज़बरदस्त है। तो कंपटीशन के बिना ये दुनिया एक मोनोपोली हो जाएगी और फिर फायदा क्या है, अगर दो ही एक्टर काम कर रहे हो आप भी बोर हो जाओगे। न्यू कमर्स में आपको कौन कौन पसंद आ रहा है? सारा इज़ माय पर्सनल फेवरेट, शी इज़ डूइंग रियली वेल, अनन्या इज़ डूइंग रियली वेल, तारा इज़ लुकिंग फैब, शी इज़ रियली प्रिटी,
यार मुझे सारा बहुत पसंद है यार, शी इज़ वेरी गुड. आई थिंक शी इज़ उसकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है. सारा इज़ वेरी गुड. आई एम ऑल्सो आई वॉच्ड ईशान्स परफॉर्मेंस, ही इज़ वेरी गुड यार. ही इज़ रियली अ स्टडीड एक्टर एंड वेरी मोटिवेटिंग. लास्टली थ्री थिंग्स वाई पीपल गो एंड वॉच ये साली आशिकी. पीपल शुड गो वॉच ये साली आशिकी बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू अस and hopefully according to you also the most entertaining romantic musical thriller that's ever happened. aur ye agar aapko zindagi mein kabhi mohabbat hui hai aur agar aap filhal ishq mein hain ye dekhiye to ye dekhiye. Hi, I'm Shivaleeka Oberoi. I am Vardhan Puri and you're watching us on peepingmoon.com.